Hey everyone, I am back with another video of WordPress tutorial. Let's get started. आज की वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा मैं बिगनर्स लेवल पर लेकर आई हूँ, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो WordPress को लर्न करना चाहते हैं, मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। और बिल्कुल इजी वर्डिंग्स में मैंने अपनी एक स्लाइड क्रिएट करी है, जो कि मेरी अपनी वर्डिंग्स में है और रोमन उर्दू में जो है मैंने इस स्लाइड को क्रिएट किया है। चलिए आइए हम wordpress.com को बहुत इजी तरीके से लर्न करते हैं कि हम किस तरह से सीख सकते हैं कि wordpress.com क्या है। सो wordpress.com, wordpress हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करते हुए अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। बट वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम wordpress.com को यूज करते हुए वेबसाइट क्रिएट करेंगे, या फिर हम wordpress.org को यूज करते हुए वेबसाइट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम wordpress.org को लर्न करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम wordpress.com को सीखते हैं कि ये क्या है। सो सबसे पहला पॉइंट है बिगनर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसे यूज करना बहुत आसान है। वर्डप्रेस, अगर हम wordpress.com का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है wordpress.com, क्योंकि इसको यूज करना बहुत आसान है। इसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, इजी टू नेविगेट है, राइट। इसी तरह फ्री प्लान, wordpress.com फ्री प्लान के साथ आता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फ्री प्लान मींस कि अगर आप wordpress.com को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो, तो आपको किसी किस्म की कॉस्ट की नीड नहीं है कि आप अपने पैसे खर्च करें और अपनी वेबसाइट को क्रिएट करें। बट कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर आप उन लिमिटेशंस को क्रॉस करते हो तो आपको फिर इनका पेड प्लान लेना पड़ेगा। तो इसी तरह हम आगे देखते हैं कि हमें फ्री प्लान में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, और अगर हम पेड प्लान पर जाते हैं तो हमें किन चीजों की नीड होगी जिसकी वजह से हमें इनका wordpress.com का प्लान लेना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, फ्री होस्टिंग और डोमेन। wordpress.com फ्री होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करता है, लेकिन आपकी वेबसाइट का डोमेन कुछ इस तरह होता है, example.wordpress.com। अच्छा, आपने हमेशा सुना होगा जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें नीड होती है डोमेन एंड होस्टिंग की। डोमेन एंड होस्टिंग पर मैं एक नया लेक्चर क्रिएट करूंगी कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। जब तक के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि होस्टिंग की नीड हमें इसलिए होती है जब हमारी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव होती है, तो इसका मकसद होता है कि ये होस्ट हो रही है इंटरनेट पर, यानी कि होस्टिंग में हमारी वेबसाइट पर डाटा स्टोर हो रहा है। सो ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि होस्टिंग और डोमेन क्या होती है। बट wordpress.com हमें फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन दे रहा होता है, यानी हमें होस्टिंग और डोमेन खरीदने के लिए अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, हमें ये फ्री देगा। लेकिन बस सिर्फ इनके फ्री में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या होगा। लेट सपोज मैंने बोला कि मुझे अपनी वेबसाइट का नाम रखना है sara.com, बट मैं नहीं रख सकती क्योंकि मेरी वेबसाइट का नाम कुछ इस तरह होगा sara.wordpress.com, जो कि बहुत चीप लग रहा है और सामने वाले को पता भी चल जाएगा कि हमने हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पर क्रिएट करी है। इसी तरह अगर हमें अपनी कस्टम डोमेन क्रिएट करनी है, लाइक कस्टम डोमेन क्या होती है, अपनी मर्जी की डोमेन sara.com, तो फिर हमें इनके पेड प्लान पर जाना पड़ेगा, यानी हमें इनका पेड प्लान लेना पड़ेगा, तो फिर मैं sara.com वाली डोमेन यूज कर सकती हूँ। अगर मैं इनका फ्री प्लान यूज करती हूँ तो फिर हमारे नेम के बीच में वर्डप्रेस भी आ रहा होगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि इजी टू यूज विद लिमिटेड प्लगइन्स एंड थीम। wordpress.com बिगनर्स के लिए इजी टू यूज है, क्योंकि यहाँ आप थीम्स और प्लगइन्स का यूज करते हुए वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन प्लगइन्स और थीम्स लिमिटेड होते हैं। इसका मतलब है आप ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसका क्या मकसद है, थीम्स क्या होते हैं। थीम मीन्स कि हम किस तरह की कलर सेट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट का, फॉन्ट किस तरह का जो है रखना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट का। और प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं, सिक्योरिटी प्लगइन्स होते हैं कि हमें किस तरह से सिक्योर करना अपनी जो है उसको, या SEO किस तरह करनी है। प्लगइन्स और थीम पर मैं डिफरेंट लेक्चर क्रिएट करूंगी, फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ कि wordpress.com का अगर आप फ्री प्लान लेते हैं तो लिमिटेड थीम्स और प्लगइन्स होंगे जिसको आप यूज करते हुए अपनी वेबसाइट बना सकते हो, बट आप उसमें लिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो, यानी आप लिमिटेड एडिशन कर सकते हो, एडिटिंग लिमिटेड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा कस्टमाइज करो या ज्यादा जो है एडिटिंग करो अपनी बाय डिफॉल्ट वेबसाइट पर, तो फिर आपको इनके पेड प्लान पर जाना पड़ेगा। इसी तरह हमारा एक पॉइंट है एड्स ऑन फ्री प्लान। एड्स ऑन फ्री प्लान पर क्या होता है कि अगर आप फ्री प्लान लेते हैं wordpress.com का और आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो wordpress.com क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पर अपने एड्स को रन करेगा,
और उससे जो एड्स आपकी वेबसाइट पर रन हो रहे होंगे उसके जाहिर सी बात है सारे पैसे कौन लेगा, wordpress.com। बट अगर आप चाहते हो कि कोई भी अनवांटेड एड आपके वेबसाइट पर ना चले तो उसके लिए आपको उनका पेड प्लान सिलेक्ट करते हुए आपको जो है अपनी वेबसाइट को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर आप इनका फ्री प्लान यूज करते हैं तो ये आपके लिए इजी टू यूज तो है बट कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। अगर आपको इनको ओवरकम करना है तो फिर आप wordpress.org में जाएंगे। सो आज का ये लेक्चर बहुत इजी वर्डिंग्स में बहुत ही बेसिक लेवल पर मैंने क्रिएट किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।